प्यार तो कुंडली मिलाकर किया नहीं जाता है, इसलिए इस शादी पर मेरा कुछ भी कहना बेकार है। दादा आप कहना क्या चाहते? अगर ये प्रेम विवाह नहीं होता और ये दोनों कुंडली लेकर मेरे पास आ पाते तो मैं मना कर दूं। क्योंकि इसके सफल होने की संभावना बहुत कम है। पापा, दादा, कोई उपाय तो होगा। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, उपाय तो है। अगर आप लोगों की समझ आए। उपाय तो बताइए, हमें बस इनकी खुशी चाहिए। बरसों पहले अपने गांव में एक प्रथा थी, अगर दूल्हे से पहले दूल्हे की कोई कुंवारी बहन दुल्हन के साथ वरमाला कर ले और फिर दुल्हन दूल्हे से विवाह करे तो दूल्हे दुल्हन पर आने वाली कोई भी बला पापा जी, मैं तो मान जाऊंगा, पर राधिका और ये नताशा इन सब चीजों के लिए राजी नहीं होंगी। मैं तैयार हूं। आर यू सीरियस नताशा? भाई, तेरी कजन हूं तो क्या हुआ, तेरे प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। फिर तो ठीक है, आने वाली 12 तारीख को विवाह के लिए दिन अच्छा है। पर राधिका, अगर वो इन सब के लिए नहीं मानी तो? वो इनकार नहीं करेगी। मैं अपने कजिन के लिए इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो वो अपने प्यार को पाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई। चलिए मूवी टाइम की चीज़। थैंक्स नताशा। हाँ बोल। Congratulations. Thanks. पर एक बात कब सोच रहेगा? क्या? मिलाना तो दूर, आपने राधिका और आपके प्यार के बारे में मुझे बताया तक नहीं। बस इतनी सी बात, अभी तेरी नाराजगी दूर कर देता हूँ। वैसे भी कल मुझे राधिका को शॉपिंग के लिए ले जाना है, पर मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, तो तू राधिका के साथ चली जा, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम दोनों के बीच ट्यूनिंग भी जम जाएगी। वैसे भी इस प्रथा के हिसाब से हमारी शादी के बाद तूने कुछ दिन हमारे यहाँ ही रहना है। My pleasure.
समाकिका, राइट? आई एम नताशा, समा की कजिन। ओह प्लीज कम। थैंक्स। प्लीज कम। राधिका, यू आर सो ब्यूटीफुल। आई मस्ट से भाई की चॉइस कमाल है। थैंक्स। दिस इज फॉर यू। रेड रोजेस? भाई की उसे समझ के रख लो। और वैसे भी कुछ दिनों के लिए सही, मैं उसकी जगह लेने वाली हूँ। प्लीज सिट। मैं कुछ लेकर आऊँ? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। शॉपिंग पे चलते ना। ओके। भैया इसे पैक कर दो। और भैया आपके पास में लॉन्ड्री से कुछ दिखाओ ना जरा। क्या जरूरत है? क्या भैया कैसे काम करते हो यार? ओ शिट बेबी, रुक रुको, मैं साफ करती हूँ। हाँ शिट शिट यार यार, इधर भी। इट्स ओके, इट्स ओके, गीला कर दिया। इट्स ओके, आप जाइए प्लीज। इट्स ओके बेबी, हर जगह हो गया यार, देखो पूरा ड्रेस खराब हो गया। कोई बात नहीं, छोड़ दो। अरे ये बेबी पूरा साफ करने दो। हाँ पूरा साफ करने दो।
ये देखो पूरा गीला कर दिया ना। या बट इट्स ओके, लेट्स हैव द ड्रिंक। हाँ साफ हो गया, हो गया हो गया। बैग उठा के मेरे बैक में पेन होने लगा है। ओ मैडम, शादी होने वाली है तुम्हारी, हाँ? ये पेन वेन नहीं चलेगा।
थैंक्स नताशा। वेलकम। क्या भाई आज नहीं? हाँ रस्म के हिसाब से आज तुम इसके पास भी नहीं जा सकते। और रही बात थैंक्स की, तो जो मैंने तुम्हारे लिए किया है उसे सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो मैं पूरी वसूली कर लूंगी। ओके ओके नताशा, जस्ट टेल मी तुझे क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए होता है ना मैं वो मांगती नहीं हूँ, बस हासिल कर लेती हूँ। अरे तो तुम खड़े क्यों? जाओ अपने रूम में जाओ, आज के लिए रूम मेरा है। चलो 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 चलो, बाय। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। काश मैं लड़का होती तो मैं, अरे मैं मजाक कर रही थी। आप चलो चेंज कर लेते हैं। तुम्हारे लिए ये लो, जाओ चेंज करो। पर आज क्यों? अरे गिफ्ट है मेरी तरफ से, मैं भी तो देखूं तुम इस ड्रेस में कैसी लगती हो। कम ऑन यार, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ ना मैं तुमसे। कम ऑन जाओ चेंज करो। पर कहा बेबी? हाँ जाओ ना, ये है तो, गो 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 फास्ट। ओके ओके जाती हूँ। ओहो भाई भाई भाई, क्या हुआ? फाइनली आज वो दिन आ ही गया। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पहले मेरा नेक तो दो। क्या भाई, आपको तो पता है ना मैं मांग कर नहीं लेती, मुझे जो चाहिए होता है उसे मैं हासिल कर ही लेती हूँ, तो नेक तो मैं वसूल कर ही लूंगी। आज के लिए आपको माफ करती हूँ। ओके मेरी माँ। समय कोई हमें देख लेगा। हलवा बना रही हो नताशा तुम? और इस घर में इतने प्यार से तुम्हें कौन छुएगा? हाँ प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है तुम्हारे साथ, पूरी जिंदगी बिताने के लिए पकड़ा है तुम्हें। प्लीज छोड़ो मुझे। क्या बिगाड़ है? जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। इसलिए जैसा जैसा मैं कहूँ
तो तुम भी वहां, समझ गई ना? अरे आज खाने में खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है राधिका पे। आएगा ही, हमारा रिश्ता इतना खास जो है। क्यों राधिका? समझ गई ना? लगता है रात बहुत रंगीन बीती आपकी। डार्लिंग, आज रात समर केक बिजनेस पार्टी है, तो सुबह तक घर आएगा। तो आज तुम मेरी रात रंगीन कर दो। यू नो व्हाट आई मीन? नहीं, अब नहीं। सॉरी, मैंने सुना नहीं। एक्चुअली मैं सुनना भी नहीं चाहती, क्योंकि उस दिन जो हमारे साथ हुआ, तुम्हें पता है ना मैंने वो समर को क्यों नहीं बताया? हाँ, सो सी यू सून। बाय। नताशा, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? शर्म आती है मुझे तुम्हें मेरी बहन कहते हुए। मम्मी पापा ने हमारी और राधिका की अच्छी जिंदगी के लिए वो रिवाज करवाया तुमसे, पर तुम तो हमारी जिंदगी में जहर घोल रही हो। रिवाज के लिए तुम्हें कुछ दिन साथ क्या रखा, तुमने तो सारी हद ही पार कर दी। मैं तो तुम्हें पुलिस के पास भेजूंगा। समर, प्लीज नताशा को माफ कर दो। तुम इसे माफ करने के लिए कह रही हो जो तुम्हारे साथ ये सब? समर प्लीज पुलिस को कॉल मत करो। अगर बाहर ये सब पता चल गया तो हमारी फैमिली में इस चीज को कोई फेस नहीं कर पाएगा। नताशा को माफ कर दो प्लीज। समर, आई प्रॉमिस मैं तुम दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। राधिका प्लीज, मेरी गलती माफ करने के लायक तो नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर। राधिका, अरे क्या हुआ, और देखना है, बट सीन तो कट गया।
कोई बात नहीं, बस सब्सक्राइब करो उल्लू ऐप और देखो पूरे एपिसोड बिना कटे, यानी कि जैसा आप चाहते हैं। तो सब्सक्राइब नाउ एंड जस्ट क्लिक एंड वॉच।